राजस्थान सरकार, जब राजस्थान की सरकार ने उन बच्चों को भेजने की बात कही तो हमने पहले उनसे अनुरोध किया कि आप इन्हें हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचवा दीजिए। उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने हमें गलत दिया था कि हम कितने आंकड़े, 4,500 के आंकड़े दिए थे, लेकिन बच्चे थे वहां 12,000। हमने यहां से अपने परिवहन निगम की बसेज वहां भेजी, परिवहन निगम की बसेज भेजने पर बच्चे कम पड़े, हमने फिर वहां से और बच्चों को लाने के लिए बसेज भेजी, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाते हमें कुछ 70 बसेज कम पड़ी थी, तो हमने राजस्थान परिवहन निगम की बसेज ली। तो परिवहन निगम की बसें जो केवल हमें उत्तर प्रदेश सीमा तक छोड़ने में उन्होंने सहयोग किया, लेकिन पहले उन्होंने तेल का पैसा लिया और बाद में, यानी 19 लाख रुपए उन्होंने तेल का लिया और बाद में उन्होंने 36 लाख रुपए बसेस का किराया भी मांगा। और ये है कांग्रेस की असलियत। और जिन बसेस को वो अपनी बस कह रहे थे, बसेस कोई और नहीं थी, यही बसेस थी जो राजस्थान परिवहन निगम की बसेस थी, जिन बसेस को वो कह रहे थे, जिनके नाम पे वो हमसे पहले किराया वसूल कर चुके थे।